So we are going to start 4.3 question number 1. question number 1 देखो क्या है, एक रेशियो दिया है a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3. क्या दिया है, a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3. देन फाइंड 1, 2, 3 एंड 4, चार सम जिसको हम लोग क्या करना है फाइंड, जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है. फर्स्ट देखो 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b. सॉल्यूशन देखो 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 5 इंटू 7. वाई, बिकॉज a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3. सो 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3. सो 35 प्लस 9, 35 माइनस 9, 44 डिवाइड बाई 26. 44 डिवाइड बाई 26, 2 से डिवाइड किया तो 22 टू द 44 एंड 13 टू द 26. तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 22 अपॉन 13. क्या वैल्यू आती है, 22 अपॉन 13. सेकेंड सम देखो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. ओके, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर. 7 का स्क्वायर क्या है वहाँ पे, 49. सो 2 इंटू 49 प्लस 3 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 49 माइनस 3 इंटू 9. 98 प्लस 27 डिवाइड बाई 98 माइनस 27. 98 प्लस 27 125. 98 माइनस 27, सॉरी, इज 71. 125 अपॉन 71. समझ में आया. अब थर्ड देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब. ओके, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 7 क्यूब माइनस 3 क्यूब, राइट, 7 क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन 3 क्यूब. 7 का क्यूब क्या आया, 343, माइनस 3 का 27, अगेन 3 का क्यूब 27. तो ये हम लोगों ने क्या किया है, बाय डिविडेंडो, बाय डिविडेंडो आंसर इज 316 डिवाइड बाय 27. 316 डिवाइड बाय 27. ओके, है समझ में, राइट डाउन. फोर्थ क्वेश्चन इज 9b अपॉन 7a माइनस 9b. 7a प्लस 9b, 7a माइनस 9b. 7a प्लस 9b, 7a माइनस 9b इज इक्वल टू 7 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 3. सो 14 प्लस 27 डिवाइड बाय 14 माइनस 27. आंसर इज 14 प्लस 27 76 डिवाइड बाय 22. 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 38 डिवाइड बाय 22. देखो 2 3 जा 6, फिर 1 बचा तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तो आंसर इज 38 डिवाइड बाय 11. 38 डिवाइड बाय 11. अंडरस्टूड, राइट डाउन.